नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरफेस मैजिक इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बम आर्ट। तो पहले तो हमें पेपर पर लाइट ऑरेंज और लाइट पिंक कलर का बेस इस तरह से बना लेना है। बेस के सूखने के बाद बम के आकार के छोटे बड़े कागज कटिंग्स को बेस पर इस तरह से अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद टूथब्रश पर पिंक कलर लगाकर स्प्रे कर लेना है। याद रहे, ये कलर बेस पिंक कलर से थोड़ा अधिक डार्क होना चाहिए। स्प्रे करने के बाद सभी कटिंग्स को एक एक करके निकाल लेना है। इस प्रोसेस को फिर से दोहराते हुए उनकी जगह चेंज करके अरेंज कर लेना है और पिंक कलर को पहले से थोड़ा अधिक डार्क लेकर टूथब्रश से स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद सारे कटिंग्स को एक एक करके निकाल लेना है। फिर आखिरी स्टेप में हमें सारे बम को कंबाइन करके बीच के हिस्से में अरेंज कर लेना है। और उसके बाद पहले डार्क वाले पिंक से अधिक डार्क कलर बना के स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद सारे कटिंग्स को धीरे धीरे निकाल लेना है। कटिंग्स को निकालने के लिए आप ऐसे स्पेसिफिक टूल का यूज कर सकते हैं या फिर कलर सूखने के बाद हाथ से भी हटा सकते हैं। तो फाइनली रेडी है हमारा खूबसूरत बम आर्ट। इस आर्ट को हम टेक्चर आर्ट या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।